खाली की जगमगाती दिवाली। दिवाली के लिए हुनर हाले की तैयारी। त्योहार का साज श्रृंगार। दिवाली दियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, पटाखों का त्योहार है और अच्छे अच्छे पकवानों का त्योहार है। लेकिन साथ ही ये त्योहार है साज श्रृंगार का भी। भाई अपने भारत में त्योहार चाहे कोई से भी हो, त्योहार पर साज श्रृंगार करना तो लाजमी है और लड़कियां उन्हें तो साज श्रृंगार करना बहुत पसंद है। ऐसे में इस दिवाली के त्योहार पर हुनर हाले कैसे पीछे हटती, इसीलिए उन्होंने आज का दिन चुना है दिवाली फोटो शूट के लिए और इसीलिए ये कर रही हैं अपना मेकअप शेकअप और लिया है इन्होंने इस दिवाली पर ये खास देसी अंदाज। श्रृंगार कर हुनर हाले ने अपना फोटो शूट करवाया। वैसे ये मुमकिन हुआ है उनकी खास दोस्त रूपाली तलन से, जिन्होंने इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर किया है। वैसे इनका मेकअप खास बनाया है पूनम ने, इसीलिए तो आज ये इतनी चमक रही हैं। तो आइए करते हैं इनकी टीम से मुलाकात। तो दिवाली का मौका है और ऐसे में कौन है वो जिसे तैयार होना नहीं पसंद है। सो हमारी हुनर साथ में है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ही फेस्टिव वाइब में ढले हुए हैं। हुनर पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए कितनी मेहनत लगी है, क्योंकि हर साल फेस्टिवल्स तो वही रहते हैं लेकिन एंथुजियाज्म तैयार होने का, क्रिएट करने का और ट्रेंड जो है फॉलो करने का, कितना वो फॉलो करती हैं? मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं फेस्टिव रेडी रहूं हमेशा। हम एक एक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल्स जब आते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, शो के अंदर काफ़ी कुछ करना पड़ता है और उसके आसपास जो है हम भी सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ कर लें जिससे थोड़ा फन हो जाए एंड एट द सेम टाइम अलग अलग लुक्स ट्राई करने को मिल जाए। सो यस, दिस इज़ अ लवली लुक जो कि मुझे मेरी मेकअप एंड हेयर पूनम आहूजा जिन्होंने दी है। सो दिस इज़ व्हाट शी प्लान्ड, दैट दिस इज़ हाउ वी शुड डू इट एंड आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। पूनम प्लीज़ बताइए कितनी मेहनत लगी है इस लुक को बनाने में और क्या एक सोच रही है? यही रही है कि एक इंडियन लुक अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए। हुनर हर सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं उसकी ब्यूटी को थोड़ा और निखार सकूं। एंड आई लव वर्किंग विद हुनर, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल टू वर्क विद एंड शी इज़ अ डार्लिंग। थैंक यू वेरी मच। एंड लुक और हेयर और आउटफिट सब कुछ रेडी तो हो ही गया है, लेकिन इसको निखारते जो है वो है हमारे फोटोग्राफर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शॉट टेकिंग और शॉट कैसा बनाना है, फ्रेम कैसा रखना है और किस तरीके से एक एक्टर को खूबसूरत बनाना है, वो सब एक फोटोग्राफर के लेंस से ही हो सकता है। एंड आई वुड लाइक यू टू मीट माय फोटोग्राफर रूपाली तलान। She is brilliant. She is very good. I had a great time shooting with her. अभी तक हमने काफ़ी कुछ शूट किया है एंड अभी हम इसमें
करेंगे कुछ फेस्टिव शूट. श्योर डेफिनेटली आई एम सो एक्साइटेड ऑल्सो. आई मीन शी इज लुकिंग प्रिटी ब्यूटिफुल. जैसे कि फेस्टिव की वाइब है, आई पर्सनली लाइक दैट, सो दैट इज़ वाई आई लव टू डू इट. बट आज हुनर के साथ शूट करना कितना मैं कहूँगी अलग रहा, क्योंकि हर एक कैमरा लेंस फोटोग्राफर और आर्टिस्ट के बीच एक अलग ही कनेक्शन होता है. वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है मुझे. एंड हर स्माइल, हर सेल्फ लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल. उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक फोटोग्राफर के लिए उसका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट शी इज़ अमेजिंग. नो नो, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हर, आई मस्ट से, क्योंकि मैं बहुत बार जब शूट कर भी रही होती हूँ तो मैं पूछ रही थी रूपाली प्लीज़ यू टेल मी द पोज ना, कि क्या करूँ मैं, वट विल लुक नाइस, जिससे और ज़्यादा अच्छा दिख सकता. सो देन शी टेल्स मी हुनर यू डू दिस और यू टर्न लाइक दिस. क्विक, आई रियली लाइक्ड इट एक्चुअली. Yeah, so yeah, I mean, she helps me. I think she's, till date, I would say, after Praveen sir, she's my favorite photographer. Thank you so much. But no, now you're number one now. प्लीज बता दीजिए जाते जाते कि किस तरह का फेस्टिव लुक इस बार आपका होने वाला है, क्या कुछ किया हुआ है आपने, और दिवाली के क्या प्लान्स होने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी क्रैकर फ्री, वो तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अपनों के साथ, दोस्तों के साथ फुल लाइट अप करके पूजा पाठ जो हम करते हैं हर साल, वो तो ज़रूरी ही है. लक्ष्मी जी को याद करना है, लक्ष्मी जी तो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना तो गुजारा नहीं है. बाकी बस अपनी तरफ से यही है कि जो दुआएं हम सबको दे सकते हैं वो हम देते हैं. जैसे अगर जिस भी तरीके से कभी कुछ अच्छा कर सकते हैं किसी के लिए, तो वो हम कर पाएँ, बस यही ख्वाहिश होती है कि वाहेगुरु जी बस मेहर करे हम पर ही नहीं, बल्कि सब पर, सब लोगों पर, आप पर, सब दर्शकों पर, और सब बस अपना प्यार जो है हमारे साथ इस तरीके से ही बनाए रखे जैसे हमेशा से बनाए रखा है, और आप लोग बस हमेशा हमारी ज़िंदगी से जुड़े रहें जैसे आप इतने सालों से जुड़े हैं. एट द एंड ऑफ द डे आप ही की वजह से तो हमारी बातचीत और हम कैसे हैं, क्या हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचता है. सो आई थिंक यू गाइस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ. भाई दिवाली का फोटोशूट तो हो गया, लेकिन अब बारी है लक्ष्मी पूजा की, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के बिना दिवाली तो अधूरी होती है. ऐसे में आज हुनर सास बहू और बेटियां संग लक्ष्मी पूजा कर रही है. दिवाली तो हर साल की तरह हमेशा खास ही होती है, क्योंकि वो हमें हमारे करीबी लोगों के साथ जोड़ती है, भगवान के साथ जोड़ती है, और भी करीबी तरीके से. पूजा पाठ करना तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद ही है, और आज मैं लक्ष्मी पूजन आप सबके साथ करूँगी. सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है ही, पत्तों से तो ज़िंदगी चलती नहीं है, तो लेकिन फिर भी भगवान का डर तो होना ही चाहिए, पर भगवान से प्रेम भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, और उन्हें याद तो करना ही चाहिए. क्यों आपको इंतज़ार करना है कि कोई दुविधा हो आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से भगवान कहे कि आप दुविधा देता हो ताकि इसको मेरी याद आए, क्यों इंतज़ार करना है उसका. आप दुविधा ना हो, अच्छाइयों में भी, सुख में भी उन्हें याद कीजिए. दुख में तो हम करते ही हैं, पर सुख में भी करना अच्छी बात होती है. चलिए शुरुआत करते हैं पूजा की. हर साल की तरह इस साल भी हुनर अपनी दिवाली मनाने वाली है. सिंपल सोबर अवतार लेंगी और खाने में चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी. मैं हमेशा से सिंप्लिसिटी ही फॉलो करती हूँ
कि चाहे कुछ भी करो, बी सिंपलिस्टिक जितना हो सकते हो, बिकॉज आई थिंक मिनिमलिस्टिक लुक सेक्सी. तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया. हाँ, ये ड्रेस जो है वो थोड़ी सी ड्रेसी है. मेरा वर्क ब्लिंग एंड ऑल तो मुझे अच्छा लगता ही है, तो वो थोड़ा बहुत तो मैं करती ही हूँ. एंड गजरा इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, तो दैट इज़ देयर. एंड इंडियननेस इज़ इन एनी डे किसी भी रूप में सुंदर ही लगती है, तो उसमें तो आपको क्या ही करना है. झुमके तो हाँ, मुझे बड़े बड़े बहुत अच्छे लगते हैं. चांद बालीज, बड़े बड़े झुमके मैं हमेशा वही प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. आई डोंट थिंक सो मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया है. आपने याद दिलाया तो हाँ, मुझे झुमकों की भी याद आ गई. हाँ, बस आई थिंक जो भी चीज़ मुझे बहुत ईजी लगती है ना, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो मुझे अच्छी लगती है. आई डोंट थिंक सो अभी मेरे प्लेटर में कुछ भी आने वाला है, क्योंकि मैं अभी लो कार्ब डाइट पे हूँ. एंड आई डोंट थिंक मैं अपनी डाइट को दिवाली के टाइम पे तोड़ने वाली हूँ. मैं नहीं तोड़ूंगी. आई हैव लॉस्ट वेट एंड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन कि मैं अपना फिट रहूँ, अच्छी दिखूँ, एंड मेरा वेट जो है वो एक मेंटेन रहे. क्योंकि क्या होता ना, वो एक दो केजी भी गेन कर लो ना, तो फिर उसको लूज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है. वो ऐसे बोलने की बात होती है कि हाँ भैया त्यौहार है, अब तो मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करूँगी, जो खाना है खाऊँगी. बट लिटरली यू नो, मैंने ये नोटिस किया है, मैं हर बार पहले ऐसे बोलती थी और करती भी थी, मतलब यू नो आई वॉन्ट टू बेक फ्री एंड आई यूज टू डू दैट. बट देन आई रियलाइज कि मुझे भी हुआ ये कि एक्चुअली यू नो वो जो वो करने से वो जो दो एक दो केजी आ जाता है ना, उसको कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. क्योंकि वो एक दो केजी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं ये एक दो केजी यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी चला जाता है. और कभी कभी कुछ ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वेट, लाइक स्पेशली ऑन योर स्टमक और ऑन योर फेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम टीवी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे तो फेस इज़ द मीडियम. और वैसे भी मैं ओमा डाइट काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो मैं, भले ही दिवाली है या कुछ भी है, मैं कोई लापरवाही नहीं बरतने वाली. हाँ, लेकिन बाकी प्रेम से तो पेट भर ही जाता है. ज़रूरी नहीं है उसके लिए मुझे शहद चखनी पड़े. सास बहू और बेटियाँ के सभी दर्शकों को मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से हैप्पी दिवाली. भाई ये दिवाली तो रोशनी के साथ साथ इनकी स्वैग वाली, डांस वाली और मुस्कान वाली है. सास बहू और बेटियां की तरफ से हुनर हाली और सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. एक बार फिर आप सभी को गोवर्धन के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.